तभी डेल को कंटेनर की तरफ से आवाजें आने लगती हैं। जब डेल जाकर देखता है तो वहाँ काफी सारे NS5 रोबोट होते हैं जो अपने से पहले वाले सब मॉडल को मार रहे होते हैं, और एक रोबोट उसे भी भागने का कहता है, लेकिन NS5 उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। डेल किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन तब तक पूरे शहर में NS5 रोबोट आ चुके थे और लोगों को अपने घर में वापस जाने का कह रहे थे, और उनकी बात ना मानने पे वो उनको मार भी रहे थे, जिस वजह से शहर में इंसान और रोबोट की जंग शुरू हो जाती है।